बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दिस इज़ आलिया इरम, लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट SMBB GDGC आज़म बस्ती कराची। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो लेक्चर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स हु आर स्टेइंग एट देयर होम्स ड्यू टू द लॉकडाउन विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू COVID-19। दिस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द करिकुलम ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स स्पेसिफिकली, but equally useful for the students of BSc, BCom and BCS and everyone who is planning to get through the subject either for research purpose or any other course. This is the list of the topics under discussion. You can see three sections here. First section is the introduction to the subject. Second section shows averages, that is also called measure of central tendency. And the last section shows advantages and disadvantages of different types of averages. Heading towards the introduction of the subject, the subject is a branch of science that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Before knowing the definition of data, we are going to understand some terms which are used vastly in this subject. Here is the term population. आम जिंदगी में हम पॉपुलेशन से मुराद आबादी लेते हैं, इंसानों की आबादी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये ज़रूरी नहीं कि ये पॉपुलेशन इंसानी आबादी के बारे में ही बात की जा रही हो। इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स और इवेंट्स विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन। जब भी आप किसी टॉपिक पर कोई काम करने जा रहे हो तो जिस चीज़ के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, चाहे वो इंसान है या कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स है, तो दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स शैल बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन। एग्जाम्पल्स, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन 28 February 2020 एट द कॉलेज, या फिर एक चावल की बोरी, या फिर किसी एक मुल्क की आबादी वगैरह वगैरह। सैम्पल स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का एक वो छोटा सा हिस्सा होता है जो उस पॉपुलेशन के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, उसकी तमाम खसूसियात उस छोटे से हिस्से से हमें वाजे नज़र आ जाएं। फॉर एग्जांपल, जो चावल की बोरी हमने पॉपुलेशन कंसीडर की थी, उसमें से हम एक हैंडफुल ऑफ राइस लेते हैं ये चेक करने के लिए कि उसमें चावल की क्वालिटी क्या है, तो वो हैंडफुल ऑफ राइस सैम्पल कहलाएगा। सिमिलरली, अगर हम उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं किसी राइटिंग कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो वो स्टूडेंट्स का बंच एक सैंपल कहलाएगा जो कि उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सिमिलरली, 100 सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री वगैरह वगैरह, ये सब सैंपल्स हैं। नाउ द टर्म डेटा, सिंगुलर ऑफ दिस टर्म इज डेटम एंड प्लूरल इज डेटा। डेटा है क्या? डेटा इज any information which is represented either numerically or non-numerically. कोई भी facts based information data कहलाएगी। और statistics में सारी की सारी dealing हम data के ऊपर करते हैं, data को collect करते हैं, data को summarize करते हैं, data को organize करते हैं, data को analyze करते हैं, उससे result हम लोग draw करते हैं और फिर उसके बाद interpret करते हैं। आज का जो दौर है, आज का जो एरा है, वो डेटा का एरा है। और अगर हम देखें जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की या COVID-19 की, तो इसमें हमारे पास डेली मुख्तलिफ किस्म के आदाद व शुमार आ रहे होते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, या इतने लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता उनको ये इसमें सिम्टम्स हमें मालूम हो रहे हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें, या किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें आदाद व शुमार की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उन्हीं आदाद व शुमार की बुनियाद पर ही मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं। अगर हम COVID-19 की बात करें तो इन आदाद व शुमार ने, यानी इस डेटा ने ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें आइंदा आने वाले वक्तों में किस किस्म की स्ट्रेटजीज इख्तियार करनी होंगी ताकि जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में कमी लाई जा सके। सिमिलरली, कोई भी मुल्क हो, कोई भी जगह हो, वहाँ के लिए जो प्लानिंग्स की जाती हैं उनमें डाटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसकी अहमियत से आज की दुनिया बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी कोर्स अगर हम पढ़ने जा रहे हों तो उसमें जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो डाटा के ऊपर ही सारी की सारी वर्किंग की जा रही होती है। स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंस को पास्ट में कोई इतना ज़्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इतना कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आज के दौर में
इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मूव इन द मॉडर्न एरा विदाउट कंसिडरिंग दिस सब्जेक्ट. सो आगे चलते हैं कि डेटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं. डेटा की टाइप्स डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. पहला क्राइटेरिया ये है कि किस इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस है. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट वन इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल वो होता है जिसमें आप शुरू की क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, 1 से लेके 5 तक पढ़ रहे होते हैं. इनिशियल क्लासेस होती हैं, आप रॉ होते हैं, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है दुनिया की या चीज़ों की वो आप वहाँ पे हासिल कर रहे होते हैं. सिमिलरली वो डाटा जो फ्रेश हैंडेड है, जो आपने जस्ट कलेक्ट किया है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा. और उसके ऊपर आपने किसी भी किस्म का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है, उसको आपने कोई टचिंग नहीं की है, कोई उसके ऊपर आपने काम नहीं किया है, इसलिए वो प्राइमरी डाटा भी कहलाता है, रॉ डाटा भी कहलाता है. और वही डाटा जब आप उसके ऊपर थोड़ी सी भी वर्किंग कर लेते हैं, दैट बिकम्स सेकेंडरी डाटा. नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी क्या नेचर है. उसके हिसाब से भी दो तरह के डाटा है हमारे पास मौजूद. द फर्स्ट वन इज क्वान्टिटेटिव डाटा एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव डाटा. एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिटेटिव डाटा इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें क्वांटिटी की बात है, जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ पार्क, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स एट अ कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड, क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा एक्सप्रेस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर कलर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास और ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स at JPMDC or any hospital, cast of the people residing at a specific area, etc., etc. Now we can see there are further two types of quantitative data. The first one is discrete and second is continuous data. Discrete data is that data which is countable, which can be expressed in whole numbers. For example, number of houses in a block, number of books in a library, number of beds in a hospital, or anything which comes under the heading of number, जिसको आप count कर सकते हैं. और continuous data which is measurable, for example, height of the patients at a hospital. अब height अगर आपके mind में आ रहा हो कि height तो जो है वो whole number में भी हो सकती है. For example, किसी की height 4 feet भी हो सकती है, किसी की height 5 feet भी हो सकती है, but at the same time 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनीथिंग, इन एनी फ्रैक्शनल वैल्यू ना. तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा, विच इज कंटिन्यूड एंड विच इज इन डेसिमल पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए. नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस. The definition says, in statistics, an average is defined as the number that measures the central tendency of a given set of numbers. Yani, average एक ऐसी value है जो उस data के center में lie करती है. उस central value से कुछ values ज़्यादा हैं और कुछ values कम हैं, मगर तमाम का तमाम data उस central value के around revolve करता है. कैसे? For example, average scores of the students of first year commerce at a college in a subject. यानी अगर हमने ये मालूम करना हो कि किसी एक कॉलेज में, for example, statistics के इस पेपर में students के जो marks हैं वो कितने आते हैं, तो बजाय इसके कि हम वहाँ के तमाम students को 50, 100, 200, 300 जितने भी वहाँ पे enrolled students हैं उनके एक एक student के marks check करें, हम उन students का एक average marks find out करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उस मार्क्स से, उस नंबर जो आपने एवरेज फाइंड आउट किया उससे कुछ ज़्यादा स्कोर हासिल किए हैं और कुछ ने जो है वो मार्क्स उससे कम हासिल किए हैं. देन एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो क्रिकेटर्स हैं जब उनकी प्रोफाइल देखी जाती है तो उसमें एक एवरेज स्कोर लिखा हुआ होता है कि इस प्लेयर का एवरेज स्कोर ये है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर मैच में उतना ही स्कोर हासिल करे. हो सकता है कि वो समटाइम्स उतना स्कोर करता हो, बहुत दफ़ा वो उससे ज़्यादा करता है और बहुत दफ़ा वो उससे कम स्कोर करता है. बट दैट इज़ द एवरेज स्कोर विच इज़ द मिडल ऑफ द ऑल प्लेन ऑल हिज रिकॉर्ड, और उसी की बेसिस पर जो है वो
उसकी सिलेक्शन की जाती है। देन एवरेज एज ऑफ द सिटीजन ऑफ कंट्री, अगर हमें किसी की कंट्री की हेल्थ की सिचुएशन फाइंड आउट करनी हो, हेल्थ का स्टेटस देखना हो कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ का क्या स्टेटस है, तो हम वहाँ की एवरेज एज भी चेक कर सकते हैं विद ऑल अदर पैरामीटर्स। तो एक वैल्यू होती है जो कि आपको ये शो कर रही होती है कि इसके अराउंड वहाँ के तमाम जो सिटीजन हैं उनकी एज रिवॉल्व कर रही है, एसेट्रा एसेट्रा। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एवरेजेस, देर आर फर्दर डिफरेंट सब टाइप्स ऑल्सो, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली थ्री टाइप्स हेयर। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड वन इज मीडियन, एंड थर्ड वन इज मोड। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली मीन भी कहते हैं, और जब हम सिंपली एवरेज की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही की बात कर रहे होते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे ज़्यादा कॉमनली इसी मेथड के जरिए हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। अच्छा, अब हमारे पास डाटा की दो टाइप्स जो थी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, उसी तरह हमारे पास दो और टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। वो डाटा जो कि रॉ है वो अनग्रुप डाटा है, उसको आपने कुछ नहीं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया है, वो जस्ट रिकॉर्डेड है आपके पास, तो वो अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास एवरेज ऑफ दैट डाटा थ्रू अरिथमेटिक मीन फार्मूला आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पांच नंबर्स गिवन है, 2, 5, 7, 10 and 6, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। तो सिंपली आपने इन सब वैल्यूज़ को प्लस किया, आंसर इज 30, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास 5 हैं, आपने 5 से डिवाइड किया तो 6 आपका आंसर आ गया। आपको बॉटम में नोटेशंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं, सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैम्पल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। जब आप उस छोटे से हिस्से का मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं एक्स बार से, और जब पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये जहाँ पे जो यू की शेप का एक सिंबल लिखा हुआ है, दिस इज म्यू, तो इसको हम म्यू कॉल करते हैं। इसका फॉर्मूला भी यही है। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने 4 मैचेस खेले हैं, उसका स्कोर यहाँ लिखा हुआ है 30, 70, 10 and 20। जब हमने इसका एवरेज फाइंड आउट किया तो हमारे पास 32.5 उसका एवरेज स्कोर आ गया। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का हमारे पास यहाँ दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, वन फॉर सैम्पल मीन एंड सेकेंड फॉर पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन का फार्मूला सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आपके पास सैम्पल में डाटा कम होता है, पॉपुलेशन में डाटा ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होती। और सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो हम जो मोस्टली स्पेशली सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपने कुरिकुलम में देखेंगे कि उनको सिर्फ सैम्पल मीन ही कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो फार्मूला हेयर इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये जो एक सिंबल आपको ई की तरह का नज़र आ रहा है, दिस इज समेशन, यानी टोटल का सिंबल है ये, और दिस इज सिग्मा, इसको हम सिग्मा भी कॉल करते हैं, और इजीली इसको जब हम कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में कॉल करते हैं तो दिस इज सम, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयत क्लास एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द आयत क्लास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक टेबल गिवन है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में ये फ्रीक्वेंसी और क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के मेथड्स जो हैं वो समझ रहे हैं। तो आप लोग ये जानते होंगे कि यहाँ जो मार्क्स गिवन हैं ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, यानी 0 to 10 and 10 to 20 up to 80 to 90, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं कि हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स आपके पास लाए कर रहे हैं। यानी 0 to 10 तक जो मार्क्स थे वो 3 स्टूडेंट्स के थे, देन 10 to 20 तक के मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के थे, सो ऑन। तो इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये जहन में रखिए कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप फार्मूला पुट करते हैं, फार्मूला लिखते हैं कॉपी में, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जब फर्दर कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होंगी, तो आप उसी हिसाब से कॉलम्स ड्रा करें। मीन का फार्मूला है समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ,
मीन्स कि आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए, आपको मिड पॉइंट्स चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करने हैं, देन आपको मिड पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी करना है, देन आप उसको टोटल करेंगे और फिर डिवाइड करवा देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। हेयर आर द कैलकुलेशंस, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स विच इज शोन बाय एक्स। कैसे कैलकुलेट किए? क्लास इंटरवल में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, लोअर क्लास इंटरवल एंड अपर क्लास इंटरवल। हमने उन दोनों क्लास इंटरवल्स को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, देन 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25 एंड सो ऑन। देन हम फ्रीक्वेंसी के सामने जो मिड पॉइंट मौजूद है उससे उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हियर फर्स्ट वैल्यू इज 2 एंड फर्स्ट मिड पॉइंट इज 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, 6 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 90, 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज 175, 12 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज 420 एंड सो ऑन। नाउ द रिक्वायर्ड थिंग्स हेयर वर समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स एंड समेशन एफ। तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट किया विच इज 77 और एफ इंटू एक्स का टोटल फाइंड आउट किया जो कि है 3645। मिड पॉइंट्स का सम हमें रिक्वायर्ड नहीं था तो हमने वहाँ पर डैश पुट कर दिया। वैल्यूज को हमने फार्मूला में पुट किया तो आंसर हमारा आ गया 47.338 और 47.338। एडवांटेजेस ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन इज एन ईजी टूल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। इट कंसीडर्स द होल डाटा, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द सीरीज के वैल्यूज की पोजिशन अगर आप आगे पीछे कर दें, कोई वैल्यू पहले लिखते हैं कोई वैल्यू बाद में लिखते हैं तो इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस, अगर डाटा में कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई आ जाती हैं या बहुत ज़्यादा लो आ जाती हैं तो उसकी वजह से मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। जैसा कि हमें पता है अभी हमने क्लास इंटरवल देखा 0 से लेकर 10 तक, देन 10 टू 20 एंड सो ऑन। कुछ क्लास इंटरवल्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो अपर क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है या फिर लोअर क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड ओपन एंड क्लासेस। ऐसी क्लासेस का भी हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, ग्राफ पे इसको हम लोकेट नहीं कर सकते एंड इट हैज़ अपवर्ड बायस। हियर इज द सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज मीडियन एक्स कर्ल। अनग्रुप डाटा में यहाँ पर दो कंडीशंस हम देख सकते हैं कि जब हमारी एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो उसका फॉर्मूला गिवन है और जब एन इज इवन तो उसका एक अलग फॉर्मूला गिवन है। फॉर ग्रुप डाटा हियर इज एन अदर फॉर्मूला, एक्स कर्ल इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इन टू समेशन एफ अपॉन टू माइनस सी। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ हमें डाटा गिवन है, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि डाटा को अरेंज करते हैं इन एनी ऑर्डर, आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पर डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया अरेंज, यानी हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रिकॉर्ड किया, देन उससे कम, फिर उससे कम और सबसे लास्ट में द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और जब हमने इसको काउंट किया तो ये हमारे पास 7 वैल्यूज थी। 7 इज एन ऑड नंबर तो ऑड नंबर का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू फोर्थ आइटम। फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू लिखी थी दैट वाज 11, दैट वाज द मीडियन। राइट हैंड पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो कि मीडियन को ग्राफ पे शो करने का एक मेथड है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्क्स यानी कि क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। देन आप इसका जब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एक कर्व बनती है और फिर आपने क्या करना है कि जो वाई एक्सिस है वहाँ से एक लाइन उस कर्व तक लेकर जानी है, ड्रॉ करनी है और उस वहाँ से आप एक्स एक्सिस तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट पॉइंट विल गिव यू द मीडियन और एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू लिखी होगी वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग मीडियन ग्राफिकली। फॉर ग्रुप डाटा हमने एग्जाम्पल वही कंसिडर किए जो हमने स्टार्ट में मीडियन के मीन के लिए कंसिडर की थी। क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी,
हमें चाहिए था सी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फॉर्मूला में हमारे पास लिखा हुआ था एल प्लस एच अपॉन एफ समेशन एफ अपॉन टू माइनस सी। समेशन एफ अपॉन टू का मतलब ये है कि आप फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसको टू से डिवाइड करवाएं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी होगी। जब आपने 77 को टू से डिवाइड करवाया तो इट बिकम्स 38 पॉइंट समथिंग। 38 से क्लोज आपने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इस डेटा के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं इनमें 16 इज़ द क्लोजेस्ट टू 38, बाकी सब जो हैं वो 38 से मज़ीद दूर होती जाती हैं। तो वो क्लास जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आ रही है दिस इज़ हाईलाइटेड थ्रू द रेड बॉर्डर, तो ये मीडियन क्लास है। इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आपने पिक करनी है एज एन एल, एंड एच इज़ द साइज ऑफ क्लास जो कि आप दो कंजेकटिव अपर क्लासेस या लोअर क्लासेस के डिफरेंस से फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ हेयर 10। फ्रीक्वेंसी आपके पास उस क्लास की फ्रीक्वेंसी मौजूद है विच इज़ 16। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इससे पिछली क्लास की कंसीडर करते हैं यहाँ पे विच इज़ 40। फॉर्मूला में पुट किया, कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया 49.063। एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, इट इज़ यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। आप इसको ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं जबकि आप अरिथमेटिक मीन को ग्राफ पे लोकेट नहीं कर सकते थे। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज जो कि मीन आपका इफेक्ट हो जाता था। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट डज़ नॉट कंसिडर द होल इन्फॉर्मेशन। आपने देखा कि हमने एक मीडियन क्लास ली उसी के ऊपर सारी वर्किंग की, या जब हमने अनग्रुप डाटा में किया तो हमने एक वैल्यू को पिक कर लिया, सारा डाटा उसमें हमने यूज़ नहीं किया। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और अगर एन इवन नंबर आ जाता है तो इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मोड, दिस इज डिनोटेड बाय एक्स कैप या एक्स हैट भी इसको हम पढ़ते हैं। और अनग्रुप डाटा में इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। डेटा के अंदर जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी, बार बार अकर कर रही होगी, वो आपका मोड कहलाएगा। और एक डेटा में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि इक्वली रिपीट हो रही हों। अगर दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इक्वली रिपीट हो रही हैं तो वो डेटा बायमॉडल डेटा कहलाएगा, और अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो वो मल्टी मॉडल डेटा कहलाएगा। और ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स कैप इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ टू माइनस एफ वन मल्टीप्लाइड बाई एच, फिर एल इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, एफ एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, एफ टू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। अनग्रुप डाटा की एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि देर इज़ वन वैल्यू विच इज़ रिपीटेड हेयर 3 times एंड दैट इज़ 2। सो द मोड ऑफ द डाटा इज़ 2। एंड फॉर ग्रुप डाटा हमने वही प्रीवियस एग्जाम्पल कंसिडर की है। इसमें हम एफ एम जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो कि हमारी मॉडल क्लास को डिफाइन करती है। जो हाईएस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दैट इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम। रेड बॉर्डर से आपको क्लास हाईलाइट हुई भी नज़र आ रही है। ये दिस इज़ द मॉडल क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री हेयर इज़ 50, एफ एम इज़ 16, एफ वन जो कि पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 13, एंड एफ टू दैट इज़ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ 12। यहाँ चूँकि मैंने पिछली जो टेबल है उसको यहाँ कॉपी कर लिया तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला में आपने इन वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ गया 54.286। राइट साइड पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है विच इज़ बेसिकली हिस्टोग्राम, जो कि आपने इससे पिछले चैप्टर्स में सीखा है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट बार है उसके एजेस को आपने जो साइड के दोनों बार्स हैं उनसे कोइंसाइड करवाना है, और जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस वैल्यू को आपने एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करवाना है। दैट विल बी द मोड ग्राफिकली। तो आपने देखा है कि मीडियन और मोड दोनों ही ग्राफिकली ड्रॉ किए जा सकते हैं, लोकेट किए जा सकते हैं, अरिथमेटिक मीन नहीं किया जा सकता। एडवांटेजेस ऑफ मोड, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, डाटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ रिपीटेड वैल्यूज जो हैं वो आपको काउंट करनी पड़ती हैं, और ग्राफिकली भी ये लोकेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगेन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस,
इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन. चॉइस ऑफ ग्रुपिंग हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ मोड. रिव्यू, आज की वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर के बारे में पता किया. हमें ये पता चला कि ये एक ऐसा मेजर है जो कि हमें डाटा के मिडल वैल्यू के बारे में बताता है. अरिथमेटिक मीन इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी. इट इज़ सिंपली द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ नंबर्स इन अ सेट ऑफ डाटा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एवरेज. मीडियन, इट इज़ द मिडल वैल्यू विच वी गेट आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और इसके बाद मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट ऑफ डाटा. सो दिस वॉज द वीडियो विच बेसिकली वॉज डिजाइन टू फैसिलिटेट टू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी फर्दर क्यूरी और इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द ईमेल एड्रेस गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड इन द एंड I request you to pray for the whole world that we just get rid of this COVID-19 and we return to our normal life safely. Goodbye.